بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العلی العظیم. خوب کہاں بحث پہنچی ہماری؟ پڑھا پھر ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ تو پشتوں میں تلاش کر لیتے تو اردو میں تلاش کر لیتے. اسے نخرے کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا, بہانے. کیا ہوتا ہے ایکو سسٹم؟ مثلا ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ سسٹم کیا کرتا ہے, پوری لائف کو زمین کے اوپر کس میں رکھتا ہے, بیلنس میں رکھتا ہے. سسٹم اتنی پرفیکٹلی چلتا ہے یہ کہ سائنسدان اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو بھی اس سسٹم کے ساتھ ہارمنی میں نہیں آتا, اس کے ساتھ ہم آہنگی میں نہیں آتا, وہ نابود ہو جاتا ہے. یہ سسٹم نابود نہیں ہوتا. اگر کہیں اس سسٹم میں کوئی خرابی پیدا ہوگی تو یہ سسٹم اپنے آپ کو ریوائیو کرے گا, اور جس نے سسٹم کو خراب کیا ہوگا اس ریوائیو کرنے میں وہ تو نابود ہو جائے گا, سسٹم تمہارا اپنی جگہ سیٹ ہو جائے گا. مثلا انسان گند زیادہ مچا رہا ہے, پولوشن زیادہ کر رہا ہے, تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ گرین ہاؤس افیکٹس. گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ زور سے بول رہی, آواز نہیں آ رہی. ہاں کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے؟ ہاں کاربن اوزون کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے اوزون؟ اوزون کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہے؟ کس کی بنی ہوئی ہوتی ہے؟ سیف گارڈ کی یا ڈیٹول کی؟ کیا ہوتی ہے اوزون؟ آدھی آدھی معلومات ہیں. اوزون کی جو لیئر ہے وہ آکسیجن سے بنتی ہے, O3. یہ قدرت ہے اللہ کی, آکسیجن کے ہی تین ایٹمز کو ملا کر اوزون کی لیئر بنتی ہے. ہوتا کیا ہے, جب کاربن آکسائڈ یہاں سے اوپر جاتی ہے تو وہ اس کے مالیکیولز کے ساتھ ریئیکشن کر کے
इसको तब्दील कर देती है, तो उससे क्या होता है, सुराख होना शुरू हो जाता है, यानी लेयर जो है वो जो केमिकल अल्लाह ताला ने उसकी एक स्ट्रक्चर बनाया है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाकर इसके साथ रिएक्शन करना शुरू करती है तो उसमें सुराख होना शुरू हो जाता है। इतना यही तो इंसान सोचे तो सही कि कौन है जिसने ये सब कुछ सोचा है। आपको पता नहीं कई हज़ारों साल के बाद पता लगा कि जी सूरज की तो शुआओं में कुछ शुआएँ नुकसानदेह भी होती हैं, और ये नुकसानदेह शुआएँ ज़मीन तक ना पहुँचें उसके लिए ओजोन लेयर मौजूद है। तो ये जो इतना प्लांट सिस्टम बना हुआ है, ये अचानक और एक्सीडेंट के नतीजे में हो सकता है? लिहाजा अब अगर इंसान पोल्यूशन बढ़ा रहा है, वो जो नुकसानदेह सूरज की शुआओं में रेज हैं वो दुनिया में आती हैं, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है, हैं? स्किन कैंसर के अलावा और क्या हो रहा है? जीन म्यूटेशन, खैर उससे नहीं हो रही, सूरज की शुआओं को कोई काम नहीं है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ क्या हो रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, दुनिया के अंदर जो टेम्परेचर हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, तो गर्मी से क्या हो रहा है, होने दो गर्मी ज़्यादा, गर्मी का नुकसान क्या हो रहा है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, क्या नाम है, तुमने तो हीट स्ट्रोक से बचने का इंतजाम कर लिया, हाँ क्या हो रहा है, पौधे ख़राब हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, फिर सबसे बड़ा ख़तरा क्या हो रहा है, हाँ जी क्या नुकसान हो रहा है, सारी चीज़ों की नॉलेज जो है वो तुम लोगों की आधी आधी है, क्या नुकसान हो रहा है, टेम्परेचर और क्लाइमेटिक चेंजेस से आपके जो पोल्स हैं उसके ऊपर जो आइस है वो पिघलना शुरू हो रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, सी लेवल जो है वो बढ़ना शुरू होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बारिशें जो आम रूटीन की होती हैं वो तूफ़ानों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, आई बात समझ में, लिहाजा क्या होगा, आइंदा अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो कुछ सालों में सी लेवल का जब आपके जो पोल्स हैं वहाँ से बड़े बड़े जो आइस के ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू होंगे, पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो नतीजा क्या निकलेगा, जो अमल है समंदर से बारिशें बनने का उसमें शिद्दत पैदा होगी, जिसके नतीजे में बजाय बारिश होने के क्या होगा, तूफान आएगा, जैसे पिछले साल कराची में हुआ मसलन, बोरिंग यही सारा ये जो आप बात कह रहे हैं ये नुकसानात है ना, यानी वो बारिश हो रही है कि जो ज़मीन के अंदर जो लेवल ऑफ वाटर है उसको बढ़ा नहीं रहा, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा सिस्टम एक बनाया भाई, यूँ समझ लो नहरों का, दरियाओं का, समझ में आई, लिहाजा पूरे पूरे एक बड़े बड़े रेजरवायर होते हैं पानी के, क्या कहते हैं उन्हें, है क्या कहते हैं, स्टॉक होते हैं पानी के, कहते क्या उनको, उनको कहते हैं एक्वाफायर, एक्वाफायर जो होते हैं वो पानी के बहुत बड़े बड़े ज़खीरे हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन की चट्टानों के अंदर रास्ता बनता है, पानी अपनी जगह बनाता है, बाकायदा बहता है पानी, इसी तरह से पूरा प्रोसेस है, बारिश अगर एक ख़ास तरीके और सलीके से हो तो ये पानी ज़मीन के अंदर जज्ब होता है, अगर बेहंगम तरीके से हो तो क्या होता है, वाटर लॉग हो जाती है ज़मीन, वाटर लॉग क्या होता है, कैसे होता है वाटर लॉग, क्या होता है वाटर लॉग में, हाँ जी क्या होता है वाटर लॉगिंग में, हैं, हाँ क्यों नहीं करती है ऑब्जर्व, आ जाता होगा ये, जाओ कल अब तहकीक करके आना कि वाटर लॉग कैसे होता है, ठीक है ये पता करके आना क्यों वाटर लॉग होता है,
आम तौर पे ज़मीन का जो पानी है उसको ज़मीन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, जज्ब हो जाना चाहिए, लेकिन वाटर लॉगिंग में क्या होता है, पानी ज़मीन में जज्ब होना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है बंद, ये कल पता करके आना, ठीक है। अब ये सारे के सारे नुकसान हैं, ज़मीनें तबाह हो जाती हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं, उससे खेत तबाह हो जाते हैं। तो बस हम जिस तरफ जा रहे हैं, अब क्या होगा अगर हमने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया, तो जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होकर दोबारा अपने आप को मेंटेन करने पे आएगा, तो वो जो मेंटेनेंस है वो तूफ़ानों जलजलों और पता नहीं किसके थ्रू होगी, जिसमें आपका बाकी रहना ख़तरे से दो चार हो जाएगा। लिहाजा क्या होगा, हो सकता है कि अगर आपने ना समझा तो इकोसिस्टम आपको बिल्कुल नीस्त नाबूद कर दे। तो बस ये सिस्टम जब मौजूद है तो आपको दीन वीन की क्या ज़रूरत है। मैंने अर्ज़ किया, बहुत सारे जो फ़िलोसोफर्स हैं वो कहते हैं भाई आप नेचर के साथ नेचर के तरीके से रहो, जैसे वो क्या है वो फिल्म पी के, उसमें वो कहता है ये कौवा जो है वो अगर ये टाई लगा ले तो अच्छा लगेगा। इंसान भी इसी तरह से कपड़े क्यों पहने हो, कुदरत ने वो कपड़े पहने, सही कह रहा है। छोटी टाई लगवा लो, बड़ी लगवानी जरूरी है क्या? हाँ जी, तो ये तो आपने खुद अपने लिए अब चीज़ें बना ली। पहले आप अच्छे भले रह रहे थे इसी इकोसिस्टम के साथ, हारमोनी में रह रहे थे, और मैंने मिसाल भी दी आपको, हज़ारों साल तक रेड इंडियंस जो हैं वो इसी सिस्टम के साथ रहे, बाकी रहे, क्या मसला हो, कोई मसला वो क्या ज़रूरत है आपको दी। आप भी बना लो, कौन रोक रहा है आपको, ये ज़रूरत की नहीं है, ये आपने ज़बरदस्ती की बनाई है, इसलिए लिया मोबाइल के पॉकेट में डालना है ना, पॉकेट की ज़रूरत थी तुम्हें ना मोबाइल की, ये दोनों चीज़ें अहम बिलावजा की। इस वक्त ये जो क्लास बैठी हुई है, शायद मुझ समीत सबका जो है वो मोबाइल जो है वो इजाफी है, कोई एक काम का सॉफ्टवेयर आपके इसमें नहीं होगा मोबाइल पर, सारे खेल कूद तमाशे पता नहीं क्या ऊट पटांग सारी चीज़ें इसलिए बनाई मोबाइल। अभी आके इमाम ज़माना अगर मांग ले मोबाइल दे दोगे, अच्छी बात उसके बाद जो होगा वो तुम जान लो, रे इमाम ज़माना जान रहे हैं ना। आई समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। तो हमने क्या किया है, अच्छा भले आप हाथों से कपड़े धोते थे, उन्होंने आपको वॉशिंग मशीन बनाना सिखा दी। जितनी आपके हिसाब से आप तरक्की करते जा रहे हो, उतने आप निकम्मे सुस्त होते जा रहे हो और बेकार होते जा रहे हो। क्या तरक्की की आप, क्या तरक्की आपकी, आपने इतनी तरक्की कर ली। 5,000 साल पहले इंसान ने पैरामिड्स बनाए थे, 5 कम से कम है, वरना 13,000 साल तक पुरानी सी खिदमत बनाए की गई, कम से कम भी लगा लो 5,000 साल पहले के बंदे ने पैरामिड बना लिया, आज तक आप बता नहीं सकते बना कैसे, क्या फ़ायदा आपकी इस तरक्की का। ये क्या खपलू से डायरेक्ट यहाँ है क्या है? चलो शुक्र है, मैंने कहा शायद खपलू से डायरेक्ट आ रहे हो, तो रास्ते में कुछ भी नहीं देखा तुमने। हाँ जी, एहराम मिस्र पता है ना, एहराम मिस्र बाकियों को तो पता है, तुम्हें पता है ना, बताओ इसको एहराम मिस्र क्या होता है, एहराम मिस्र बताओ क्या है, उसको एहराम कहते हैं, ये जो शक्ल है ये एहराम कहलाती है, इंग्लिश में पिरामिड कहते हैं इसको, शेप होती है ये, 4 तिकोने मिला के समझ लो जो बनती है उसे क्या कहते हैं, पिरामिड, एहराम। एहराम मिस्र 5,000 कम से कम भी दुनिया क्या कहती है, जो साइंटिस्ट कहते हैं कम से कम भी 5,000 साल पुरानी, 5,000 साल पुरानी आपके लिए अभी तक एक मिस्ट्री है, आपको पता ही नहीं लगा बनी कैसे है?
तुम दो या तीन मरतबा उस तरह फिरवाओगे तो तुम्हें क्लियर होगा कि 2000 हजरत ईसा के बाद के है। आई बात समझ में? क्या निकाला है? नहीं, कोई भी आज तक आप कोई एक भी परफेक्ट सलूशन नहीं दे सके। नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी सिर्फ अंदाजे हैं, और उन अंदाज़ों में से अंदाज़ा इसलिए है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। वो कहते हैं लेकिन जब उसके ऊपर सवाल आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, इसलिए कि 5000 साल पहले आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट उस तरह का नहीं था, ना पुली, ना टायर, ना कुछ कुछ भी नहीं बनाया था आपने। लाजमात है कम से कम जो जिस, अगर आप ये कहते हो कि ये मतलब पहाड़ी से लेकर आए पत्थर, तो जो पहाड़ी नज़दीक है वो कम से कम 300 किलोमीटर दूर है। छोटे से छोटा जो सबसे छोटा पत्थर इस्तेमाल हुआ हुआ है वो 60 टन का है। हाँ, 60 टन, एक टन कितने का होता है भाई? 90 टन कितना होता है? है 1000 केजी का एक टन होता है। तू नहीं पूछा, टन पूछा है। आई बात समझ में? लिहाजा आज तक आप नहीं बता सके तो क्या तरक्की कर लिया आपने? तो सही थे पहले वाले, सही है ना? फिर इसका मतलब जो पुराने लोग थे वो ज्यादा सही थे, उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, बड़े परफेक्टली रह रहे थे। क्यों आपने दीन मीन का ये खामा काट रहा है? जब से दीन मीन लेकर आया वो मसला लड़ रहा है इंसान, एक दूसरे को काट रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, सब कुछ कर रहा है। सर दीन तो पहले भी था। कहाँ था? हजरत, अगर आप अपने हिसाब से आगे चलो तो हजरत आदम बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपके हिसाब से जो है वो 10-12 हज़ार साल पुराने होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। जबकि ह्यूमन लाइफ जो है वैसे जो मिली है वो हमारी हिस्ट्री कहती है 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, वरना इंसान का जो मतलब फॉसिल्स हैं और वो जो है रिकॉर्ड है उससे ज़्यादा पुराना मिला है। पैरामिड क्यों बनाया? अब बनाया होगा जिस मकसद के लिए भी बनाया होगा, लेकिन बात ये कि बना लिया, उन्होंने बना लिया, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा कि बना कैसे, और तुम कहते हो हमने बड़ी तरक्की कर ली थी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ निकम्मे होते जा रहे हो, सिर्फ निकम्मे। पुराने दौर के लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते थे, अब इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। अब खवातीन से कहो, जाके उनसे कहो भाई ये कपड़े धो दो, तो वह हैरत से मुंह देखती हैं, नहीं हाथ से धोऊं कपड़े? जैसे हाथ से धुलते ही नहीं थे कपड़े कभी ज़िंदगी में। इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं। कैलकुलेटर ने निकम्मा बना दिया आपको, कंप्यूटर निकम्मे से निकम्मा तर बनाता जा रहा है आपको, तो क्या तरक्की कर रहे हो आप? और ऐसी तरक्की के जो आपको तबाही की तरफ लेके जा रही है उसका क्या फ़ायदा आपको? हाँ जी, लिहाजा ये दीन मीन बंद करो, आराम से घर में जाओ, सुकून की ज़िंदगी गुजारो, ठीक है? ऐसे ही है, क्लास बंद। तो तुम जैसे खरीद रहे होते इसलिए बेच रहे होते, तुम लोग खरीदना बंद कर दो तो बेचना बंद कर देंगे। हाँ तो इसका क्या मतलब है? मेरे पास है तो जायज़ हो गया, कल मैं कुछ और करने लगूँगा तो वो भी जायज़ हो जाएगा। हाँ तो तुम्हारी तबाही का जरिया मेरी नहीं है, नहीं मुझे आता है बगैर तबाही के इस्तेमाल करना। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? तो दीन किस लिए भैया? एवं खामा खा दीन दीन करे जा रहे हैं। हाँ किस लिए दीन? अब बता रहा हूँ मैं, तो पता होता कुछ है कि अपने आप को मुसलमान कहते फिरते हैं। इंसान थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करे, इंसान और दीगर तमाम हैवानात में क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पर? क्या फ़र्क है? खूब। दूसरा फर्क क्या है?
एक तो ये मदरसे वाले भी जो है ना, चलो और क्या क्या कह रहे हो तुम? और किसकी ख्वाहिशात नहीं होती? फर्क बताओ ना फिर। हाँ जी, और क्या फर्क है? हैं कैसे अशरफ المخلوقات؟ फर्क बताओ फर्क। ना तुम्हें नफ्स का पता है, ना तुम्हें फरिश्तों का पता है, बोले जा रहे हो। फरिश्ता क्या होता है? होता कौन है वो? क्या है फरिश्ता? नूरी मखलूक है। नूर क्या होता है? ये बल्ब से जो निकल रहा है, ये वाला है बल्ब, जलाया फरिश्ता निकल आया, बल्ब बंद किया फरिश्ता गायब, ऐसा? हाँ, क्या उस नूर से क्या मुराद है? ये तो कह रहा हूँ, पता वता कुछ है नहीं, मम्मी अब्बू ने बता दिया। चलो भाई, यही मुश्किल है ना हमारी, जो अम्मी अब्बू ने जैसा बना दिया। अम्मी अब्बू ने अल्लाह को आसमान पे भेज दिया, हमने भी भेज दिया, और जब से वो आसमान पे गया अब नीचे ही नहीं आ रहा, ऐसे ही है ना। हाँ जी, क्या फर्क है? आज तक किसी हैवान को स्कूल जाते हुए देखा? ट्यूशन सेंटर, रमजान क्लास, आप कह रहे हो उनके पास अकल नहीं है, उनको अकल की जरूरत ही नहीं है, हैं? इकोसिस्टम क्या कर रहा है ना, या नहीं कर रहा? बेहतरीन तरीके से कर रहा है। आप एक इंसान का बच्चा, एक मुर्गी का बच्चा, एक बकरी का बच्चा ले जाके अमेज़न के बिल्कुल सेंटर में छोड़ कर आ जाओ, कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा? हैं? डेफिनेटली मर जाएगा। क्यों मरेगा इंसान? माहौल की क्या बात है? क्यों रह सकता है? आप अशरफुल मखलूकात तो बकौल आगा साहब के, तो आपको तो ज़्यादा ज़िंदा रहना चाहिए। तो फिर क्या मॉडर्न? तो बात का मसला है अभी, मॉडर्न से पहले भी क्या मसला था? पहले नहीं था क्या ये मसला? पुराने ज़माने का बच्चा होता तो रह लेता। हाँ, इन्वायरमेंट का मसला है, वहाँ पे कहीं और ले जाओ। हैं? हाँ, एहसान बारिकल्ला, इंसान के बच्चे को कुछ नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन मुर्गी के बच्चे को सब पता है। आज तक कभी किसी बकरी को कुछ चीज़ गलत खा के मरते हुए देखा है? हैं? देखा है कभी? तुम्हारे खपलू बपलू में ही होता होगा ये, कराची में नहीं होता। कराची की बकरियाँ बहुत होशियार हैं, मामूलन नहीं होता ऐसा। आप मिला के दे दो उसको बेचारे को, तो एक अलग मसला है, खुद से नहीं खाता वो। हाँ, लेकिन इंसान नहीं कर सकता? कर सकता या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, तो फिर कौन ज़्यादा अफजल है आपके? तो जी इंसान अफजल है। क्या इंसान में अफजलियत है? एक मूवी बनी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, काफ़ी अर्से से मैंने चूँकि फारसी में देखी थी, ट्रू स्टोरी पर बेस्ड उन्होंने बनाई थी मूवी। मूवी का उनवान ये था कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है, उसका एक गालिबन ग्रेजुएट, और उसने ग्रेजुएशन में टॉप किया था, टॉपर ऑफ कौन? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पार्टी भी पैसे वाला था, अब्बा बहुत पैसे वाले थे, हर तरह से परफेक्ट आदमी है, बड़ा खूबसूरत हसीन नौजवान, इंटेलिजेंट, पैसे वाला, हाँ, सिविलाइज, बड़ा मुतमद्दिन किस्म का। क्या हुआ उसे? हाँ, कोई कमी नहीं।
स्टोरी क्या है कि वो हकीकी खुशी की तलाश में निकल गए, उनको अपने घर में नहीं मिल रही थी हकीकी खुशी, तो बताया उसकी स्टोरी है। उसने अब्बा ने जो गाड़ी गिफ्ट की थी वो ऐसी जगह खड़ी कर दी जहाँ सैलाब भाग के ले जाए, जितने पैसे मिले थे डॉलर सबको आग लगा दी और पैदल रवाना हो गया अलास्का जाने के लिए। अब रास्ते में वो जहाँ जाता था मतलब कोई आबादी मिल जाती थी या लोग मिल जाते थे या उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाता था जिसके साथ रहता था वो लोग उसके आशिक हो जाते थे, वो कहते थे भाई तुम हमारे साथ रहो तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की, लेकिन वो हकीकी खुशी की तलाश में पता नहीं कभी यहाँ टप्पा कभी वहाँ टप्पा खाते 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 बिलाखिर अलास्का पहुँच जाता है। जब अलास्का जाता है अपने साथ एक बंदूक भी लेके जाता है, हैं चाकू माकू खंजर मंजर और इस तरह का कुछ इब्तदाई सामान ये भी लेके जाता है, हैं हाँ पैदल पैदल किसी कभी इससे सवारी ले ली कभी उससे सवारी ले ली, इस तरह कर करा के बिलाखिर पहुँच जाता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो साथ क्या है, उसने एक वो रखी होती किताब जिसमें मतलब सब्जियों मब्जियों और इन जड़ी बूटियों के बारे में मालूम होते हैं, सब पूरा इंतज़ाम करके जाता है। वहाँ जब पहुँचता है तो सब बर्फ़बारी होती है अलास्का में, तो जहाँ पहुँचता है उसको एक जगह एक बस खड़ी भी मिल जाती है, वो बस के अंदर डेरा जमा के उसको अपना घर बना के उसको जनाब लकड़ियाँ काट कूट के लेकर आता है और जनाब बंदूक से जानवर वगैरह शिकार करके खूब रोस्ट बना बना के खाता है। तो जब तक सर्दी चल रही होती है खूब मस्तियाँ करता है, वो खाता है पीता है मौज मस्तियाँ चल रहा होता है उसका मामला। तो इसी तरह से हंसते खेलते में दिन गुजारे और उसके बाद क्या हुआ, बाहर आ गई है मुझे कहानी थी किसकी, एंट एंड क्रिकेट, चूंटी और किसकी कहानी थी, क्या कहते हैं उसको क्रिकेट को क्या कहते हैं, जिंगर, जिंगर और चूंटी की कहानी सुनी, जिंगर और चूंटी की कहानी, क्रिकेट नहीं होए क्रिकेट नहीं क्रिकेट गिरगिट नहीं जिंगर जिंगर क्या कहते हैं भाई तुम्हारे उसमें तुम्हारे यहाँ नहीं होते हैं है? जिंगर क्या होता है, हाँ भाई खटमलो बताओ जिगर क्या होता है, क्या होता है जिगर, या चलो ये तो शुगर है खुदा का, क्या होता है जिंगर भाई, है जिंगर क्या होता है, है? वो जिंगा होता है, हम जिंगर बर्गर की बात कर रहे हैं, है? जिंगर बर्गर खाते रहे तो तुम लोग, क्या होता है जिंगर, ये भी नहीं पता, हाँ शोर किशोर कैसे मचाता है, कहता है बचाओ बचाओ, हाँ भाई जिंगर क्या होता है, कॉकरोच जैसे, कॉकरोच कॉकरोच तो पता है ना लाल बेग बेग साहब को जानते हो ना, हाँ छोटे लाल बेग जैसा होता है तकरीबन, मामूलन लाइट ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का होता है। सिफत क्या होती है उसकी कि रात को मामूलन जंगलों मंगलों में जो जिर 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 की आवाज़ आ रही होती है वो निकालता है, बताओ भैया कैसी आवाज़ें निकालता है, चूहे की नस्ल का दिमाग सही है बाबा, अभी बता रहे हैं कि लाल बेग जैसा होता है, लाल बेग और चूहे में कोई फर्क नहीं पता तुम्हारा, तुम्हारा चूहे लाल बेग जैसे होते हैं या लाल बेग चूहे जैसा होता है, क्या होता है, नहीं बेटे कीड़ा है, कीड़ा कीड़ा लाल बेग कॉकरोच, होता है उड़ता नहीं है जंप करता है छलांगे लगाता है, मामूलन कोनों खुजरों में छुप जाता है घास फूस में छुपा हुआ होता है और एक खास खास तौर पे रात में आवाज़ निकालता है, ख़ास किस्म की कंटिन्यूस आवाज़ निकालता है, इसकी पहचान ही उस आवाज़ से, तो जिंगर की आवाज़ सुना सो अपने इस पे लिखो जिंगर आवाज़ भी आ जाएगी साथ साथ, मामूलन जैसे फिल्मों में दिखाते हैं रात की तारीकी होती है तो साइड से एक आवाज़ आ रही होती है, आप बताओ कौन सी होती है इसको बताओ, चलो अकेले में है ये अकेले में तो मैं बता देगा कैसी आवाज़ निकालती है, आई बात समझ में, जिंगर क्या था वो, चूंटी और जिंगर की कहानी,
उन्होंने बताया जिंगर जो है गाने गाने हाँ पूरी बाहर में गाने बजाता करता करता रहा, और उसने खाना पीना जमा नहीं किया, और चूंटी जो थी वो बेचारी मुसलसल खाने पीने जमा कर रही थी। हाँ चलो शुक्र है कार्टून देखा हुआ इसने, ठीक है। तो वहाँ क्या था, वहाँ पे उल्टा था, बाहर में खाना जमा करना था, सर्दियों में खाना था। इसके साथ क्या हुआ, सर्दी में खाना मिल रहा था, बाहर में क्या हुआ, सारे जानवर वानवर भाग गए, परिंदे वरिंदे भाग गए। अब जब होश आया तो पता लगा हजरत को कि मैं जहाँ पर हूँ वो बाकायदा एक आइलैंड टाइप की जगह है, यानी उसके चारों तरफ पानी इतने प्रेशर से बह रहा है, और वो जो जगह जहाँ पे वो था वो बिल्कुल आइलैंड टाइप की एक जगह थी, और पानी जो था चारों तरफ में वो इतना प्रेशर वाला था कि ये फंस गया वहाँ पर। अब ना जानवर आ रहे हैं ना परिंदे आ रहे हैं, बंदूक का क्या करें, बंदूक बेकार। तो वहाँ जो जड़ी बूटियाँ थी उसने वो जो डिक्शनरी लाया तो उससे देखना शुरू किया, उसमें गलती हो गई, एक दिन सफ़ा मुड़ावा था उसकी तरफ, उसने भूख में परेशानी के आलम में ये देखा ही नहीं, वो मोड़ा उसने इसलिए था कि निशानी लगा के रखे कि ये वाली जड़ी बूटी नहीं खानी, और वही खा ली। खाने के बाद क्या हुआ, पेट ख़राब हो गया, जहरीली थी हाँ, और उससे उसको मोशन लग गए, और उसी में उसका इंतकाल हो गया वहीं। और उसके मरने के इस पूरे प्रोसेस में मरने के उसके 3 या 4 दिन के बाद उस इलाके में दोबारा बर्फ़बारी हुई, और पहली ही बर्फ़बारी के बाद कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे तो उसकी बस में उसका लाश मिल गया उनको, उन्होंने वापस भिजवा दिया उसका। सवाल क्या है, सवाल ये, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दुनिया की बेहतरीन उसका ग्रेजुएट टॉपर पढ़ा लिखा आदमी, इतना स्मार्ट आदमी, इतना समझदार आदमी, लेकिन क्या हुआ, एक छोटी गलती से हलाकत का शिकार हो गया। तो काहे की अशरफियत है भाई, आप में किस बात पे, कौन सी अकल पे अकड़ रहे हो? ये जो आप अकल मकल करते रहते हो, अशरफुल मखलूकात अपने आप को, तो पता होता कुछ है नहीं, बस जो बता दिया उसमें इसका नतीजा क्या निकलता है। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और सामने वाला आपसे सवाल करता है तो आखिर में आप दीन पे मशकूक हो जाते हो, क्यों, इसलिए कि सारा जो दीन है वो सब क्या है, ब्लाइंड फेथ है। ये ब्लाइंड फेथ काम नहीं आता अजीज़ मन, और ये याद रखना, इसी ब्लाइंड फेथ का जवाब आप कब्र में नहीं दे सकोगे। जैसे यहाँ पे सन्नाटा है, मैं तो आपको हंटर नहीं मार सकता, लेकिन मुनकर नकीर हंटर लेकर आएंगे, आई बात समझ। हाँ प्रूफ बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है ना, उसका प्रूफ अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन अगर आ गए तो पिटाई बहुत होगी, उस पिटाई से बचने के लिए अभी अकल इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है। यानी क्या अशरफुल मखलूकात, तो अशरफुल मखलूकात का माना तो समझोगे है क्या, किस बात की अशरफियत है आपके अंदर जब आपको कुछ पता ही नहीं है। तो हमसे ज़्यादा तो चूज़ा है, अंडे से निकलता है, कार्रवाई शुरू कर देता है, घूम रहा है फिर रहा है, मौजे कर रहा है, खा रहा है पी रहा है। हाँ हम पैदा होते हैं पता नहीं कितने दिन तक तो अम्मा अब्बा के मोहताज रहते हैं, ना मैं आ पता ना ऊँ पता, जिसने मुँह में जो लगा दिया बस चूसना शुरू कर देते हैं, ये पता नहीं पीना भी है नहीं पीना, क्या पीना है क्या नहीं पीना, कुछ पता होता है कुछ नहीं पता होता है। तो फिर काहे की अशरफियत है? हाँ नहीं, समझने की ज़रूरत है, यही समझो कि क्यों अशरफ हो। लिहाजा अब यही बात गौर करें आप, इंसान के अंदर एक तफक्कुर और ताकुल का एक मकाम क्या है, कि जब इंसान अपने और दूसरे हैवानात के दरमियान में ये डिफरेंस देखता है तो ख़ुद एक सवाल ये पैदा होता है ना, वो भाई जहाँ से भी आपने अब याद तो देखो, जैसे वो कहते हैं कि जी मिसाल थ्योरी फेल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप बंदर से तरक्की बन के इंसान बने, तो अजीब अहमक आदमी हो तुम, जब तक बंदर थे तब हमें सब पता था, और जब हम तरक्की करके इंसान बने तो हमें कुछ नहीं पता, ये कौन सी तरक्की है। यानी बंदर से इंसान बनते बनते में हम भूल गए सब कुछ भाई, यही है ना डार्विन क्या कह रहे हैं, आप माइक्रो सिंगल सेलुलर से तरक्की की आपने, आप मल्टी सेलुलर हो गए, फिर आप पता नहीं क्या हो गया, करते 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 इंसान बन गए। अब जब आप इंसान बन रहे थे, आखिरी जो जहाँ सबसे ज़्यादा काम आना था आपको, वहीं आप सब कुछ भूल गए, तो क्या फ़ायदा हुआ इस तरक्की का, सवाल है या नहीं है, सवाल है। डार्विन से को कब्र में जाके पूछे उससे कि भाई किबला उठ के ये तो बताओ कि जब तक आपके अब्बू बंदर थे तो उन्हें सब पता था, आप गलती से उसके घर में इंसान पैदा हो गए तो आपको कुछ नहीं पता, ये कौन सा फार्मूला है। अगर आपके अब्बू बंदर थे और उनको पता था
तो आप इंसान बनते बनते कैसे भूल गए? ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, हमें भी तो समझाओ ना। आपकी तरक्की का नतीजा ये होना चाहिए था कि आप में और ज़्यादा क्वालिटीज़ पैदा होती हैं, तो आपका नुकसान हो रहा है। ठीक इसी तरह से दूसरा डिफरेंस क्या है, यानी क्या कि तमाम हैवानात कम से कम अपनी ज़िंदगी गुजारने का इल्म लेकर आते हैं, ये इल्म होता है उनके पास, इंसान के पास नहीं होता। लिखते जाओ, किसी किताब में नहीं मिलेगा, बाद में इम्तिहान में रोगे। पांचवा नंबर क्या, हर हैवान कोई ना कोई कमाल जिस्मानी रखता है, और यही कमाल जिस्मानी उसे बाकियों से अलग करता है। मसलन कैसी कैसी बातें करते हैं, मसलन और मतलब किसी की आंखें तेज हैं, किसी की नाक तेज है, किसी की टांगे तेज हैं, किसी के पास पंजे हैं, किसी के पास दांत हैं, नहीं बोलने को छोड़ो, कोई ना कोई कमाल उनके पास है। हर हैवान के अंदर कोई कमाल है ना भाई, मच्छर भी छोटा सा होता है लेकिन काटने का हुनर रखता है या नहीं है? कोई भी हैवान ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई कमाल ना हो सिवाय इंसान के। आपके अंदर है कोई कमाल है? क्या बात, क्या कमाल है इंसान के अंदर? ना इंसान जिस्मानी कमाल की बात हो रही है, जो उभर के निकलता है वो जिस्मानी नहीं होता। जिस्मानी क्या कमाल है, आंखें तेज़ हैं आपकी, ईगल से ज़्यादा तेज़ हैं, हैं दांत ज़्यादा तेज़ हैं आपके, चूहे से ज़्यादा तेज़ हैं, क्या चीज़ आपके पास, डंक है, एक दुमी अल्लाह ताला दे देता चलो काम आ जाती, किसी थक जाते कहीं लटक जाते दीवार में, उसमें दुम भी नहीं दी अल्लाह ताला ने, को बाल दे देता अल्लाह ताला को मोटे ताजे, वो भी नहीं। क्या है आपके पास बदन में, क्या कमाल है? हाँ भैया अशरफुल मखलूक आता हूँ, क्या खपलू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आया है ये क्या? हाँ क्या कमाल है इंसान के अंदर, बदन में क्या कमाल है? आवाज़ वगैरह अच्छी होना ये जिस्मानी कमाल थोड़ी है, आप सीख के ही करते हो ना, बगैर सीखे थोड़ी है। कमाल क्या होता है, सबके पास है यकसां। जब हम कमाल इंसानी की बात करेंगे तो जैसे नौ है, हर नौ का जो मतलब ऐसे थोड़ी कि एक ईगल की आंखें ज़्यादा तेज हैं बाकियों की नहीं है, ऐसे होता है कमाल होता है कमाल जिस्मानी से मुराद कि जो उस नौ के अंदर कमाल हो और वही क्या करता है उसको जुदा करता है। आप गौर करें हर हैवान, मसलन बाज़ हैवाना शक्ल में बहुत मुशाबे होते हैं, शक्ल में मुशाबे होने के बावजूद अपने कमाल की वजह से उनकी नौ तब्दील हो जाती है, हैरत है वाकई। मसलन अब आप देखें कि कुत्ते और भेड़िए के बहुत सारे ऐसी नस्लें हैं कि जिनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, ये मतलब अंदाज़ा लगाना कि भेड़िया या कुत्ता ये बंदा फ़र्क हो जाता है, लेकिन फ़र्क क्या है, कुत्ते का जो मसलन कमाल है वो वफ़ादारी में, जैसा भी होगा वफ़ादार होगा, और भेड़िया क्या है, दरिंदगी, भेड़िया कभी वफ़ादार नहीं होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कमालात हैं, इसी तरह से उनके जिस्म में उनके बदन में और चीज़ों के अंदर कमालात हैं। ये जो कमालात उनके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए अब आप मतलब फ़र्ज़ करें कि शक्ल देखने में जितना भी भेड़िया और कुत्ता आपस में एक जैसा लगा नज़र आता हो, जेनेटिकल मेकअप को जब देखा जाता है तो पता लगता है ना कुत्ते का जेनेटिकल ठीक है, उसकी जो अनवा हैं, उसकी जो अकसाम हैं, उनका जो जेनेटिकल डिज़ाइन है, उसके अंदर कहीं जो तब्दीली होती है वो अलग होती है, लेकिन जो असल मेकअप जेनेटिकल है वो कुत्ते का और भेड़िए का हमेशा अलग होता है, पूरी नस्ल ही जिसे कहते हैं तब्दील हो जाती है, नौ तब्दील हो जाती है। लिहाजा ये जो कमाल है ये क्या करता है, उनको बाकियों से अलग कर रहा होता है, चाहे जाहिरी बनावट में जाहिरी तौर पर दिखाई देने में एक जैसे क्यों ना नज़र आ रहे हों,
इस कमाल की वजह से क्या होता है, उनकी नौ तब्दील हो जाती है। इंसान में इनमें से कोई भी नहीं है, तो बड़ा आप काय को कर रहे हो, तो बाकी बेरू हैं, बिजली पे चल रहे हैं। आई बात समझ में? ये जो आपसे मैं मुसलसल इस तरह के सवाल कर रहा हूं, उनका मकसद क्या है कि बाबा थोड़ा बेदार होके सोचो, ये तरीका सही नहीं है कि आपको जिसने जो पढ़ा दिया जैसा बता दिया बस बगैर समझे बगैर पता हुए। हाँ, यही हाल हमारी मजलिसों का हो गया, समझ में आता नहीं, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ नारा हैदरी लगा दो। अक्सर जगह पे वहाँ पे नारा हैदरी लग रहा होता जहाँ खुद समझ में नहीं आ रहा होता। हाँ जी, अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फिर क्या है, क्यों अशरफ हो भैया? लिहाजा इसी एतबार से कि आपके अंदर कोई जिस्मानी कमाल नहीं है, कुरान ने क्या फरमाया, फरमाया खुलकल इंसान ज़ईफा, इंसान को ज़ईफ़ खल्क किया गया। अगर इंसान ज़ईफ़ खल्क किया गया तो अहसन तकवीम का क्या माना है? फिर अहसन तकवीम का क्या माना है? तकवीम क्या होती है? कैलेंडर। तकवीम क्या होती है? किस मादे से? हाँ भाई, तकवीम किस मादे से? हाँ, मादा क्या है तकवीम का? असल मादा क्या है तकवीम का? हैं, जोर से बोलो। तकवा में नहीं आगा जा, क्या हो गया? तकवीम क्या है? बाबे तफ़ील है। हाँ, तो तफ़ील में क्या होता है? कवामा वादा इसका असल, जिससे कामा यकूमो है। जब कामा यकूमो बाबे तफ़ील में जाता है, कवामा युकव्विमो तकवीमन, क्या माना है? कामा कवाम, इसी से एक मज़र बनता है। क्या तकवीम से एक और मज़र क्या बनता है? कवाम, जैसे किताब। किताब क्या है? मजदर है, सही है, फ़ियाल के वजन पर। खूब, हाँ। अब बात समझ में आ रही है? क़वाम क्या है? बनावट। अल्लाह ताला एक तरफ कह रहा है आपको मैंने बेहतरीन बनावट में बनाया, उधर से कह रहे हैं ज़ईफ़ ज़ोफ़ तो में नज़र आ गया, तो बेहतरीन बनावट कैसे आपकी? हाथ पाँव क्या हुआ है? या हाथ पाँव की वजह से आप अहसन तकवीम है? तो इनमें क्या क्वालिटी है जिस अहसन तकवीम दो सौ तो थे, जब आपके हाथों पाँव में भाई शेर का हाथ कभी खा के देख लेना, एक लगाता है बंदा, पता आपको शेर के पंजे में कितनी ताकत है? मसलन क्या मुख्तलिफ कैसे अलग है? बाबा ईगल जैसे देख सकते हो ऊपर से, आप तो ईगल पानी के अंदर शिकार करता है, पता है आपको ना? और पानी में क्या होता है? हैं, मछली तो होती है, लेकिन पानी का मसाला क्या है? हैं, हाँ, क्या कहलाता है वो? टेढ़ा होना, अंधेरा कह रहे हो तुम, निकम्मा यार, गलती हो गई मुझसे, मैंने गलत सुन लिया। अंधेरा नहीं होता भैया, पानी में टेढ़ा हो जाता है। क्या? जो सीधा होता है। घर जाना, घर जाना, सीधा चमचा जो होता है हाथ में, बिल्कुल सीधा चमचा होगा, उसको गिलास में रख के देना, टेढ़ा हो जाएगा। पानी से भरे हुए गिलास में रखना, टेढ़ा हो जाएगा। जब चमचा बिल्कुल सीधा, ऐसा मारकर बिल्कुल सीधा लोगे, पानी से भरना गिलास शीशे का, और उसमें यूं करके रख देना, ऐसे ऐसे रखोगे तो तुमने रखा सीधा होगा, दिखाई तुम्हें टेढ़ा होगा। अच्छा, आज करके देखना, कल मुझे बताना, ठीक है? तो क्यों होता है? हाँ,
रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी रिफ्रैक्शन? लाइट की रिफ्रैक्शन। लाइट कहाँ रिफ्रैक्ट करती है, क्यों करती है? क्योंकि मीडियम चेंज होता है। तो ये मीडियम मेरे और आपके लिए चेंज हो रहा है, ईगल के लिए नहीं चेंज होता। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन की वजह से? क्या होता है रिफ्रैक्शन की वजह से? ये होता है कि अगर ये पानी की सतह है और इसमें एक चीज़ असल में यहाँ रखी हुई है और आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको असल में वो यहाँ आपको दिखाई यहाँ दे रही होगी। होगी यहाँ दिखाई कहाँ दे रही होगी? यहाँ तो तुम भी तजर्बा करके करके दिखा देना। बात यह है कि वो तजर्बा कहाँ कर रहा होता है, वो इसकी लेबोरेटरी तलाश करके दिखा दो। वो तो अपनी पहली फ्लाइट करता है और पहली फ्लाइट में पानी में शिकार करता है। तो तुम जो जिस ट्रेनिंग स्कूल में जाता है वो उसका पता करके आ, तो हम तुम्हें वहाँ भिजवा देते हैं, फिर देखते हैं तुम वो सीख के आते हो या नहीं आते। उसको छोड़ो, और बहुत सारे परिंदों जानवरों में इस तरह की मौजूद है। कहाँ से आई? बियर में, इवन भालू में। आप अपने घर में पाल लो उसे, पानी जिंदगी में कभी नहीं दिखाना, और जब लेके जाओगे तो वो आपको शिकार करके दिखा देगा। कहाँ से करता है? हाँ मौजूद है, इनबिल्ट है, ये सारी का सारा एलिमेंट के लिए इनबिल्ट है। तो आप कहाँ से हुए? हाँ भाई, आँखें किसकी आँखें अच्छी थी? तुम्हारी अच्छी हैं या इसकी अच्छी हैं? फिर ऐसे ने तकवीम से क्या मुराद है? किस चीज़ पर कर रहे हो? जाने मन अपनी ज़िंदगी में सवाल प्रॉपर करना सीखो और प्रॉपर जवाब, जब तक किसी चीज़ का जवाब ना मिले उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर लेना ईमान नहीं है, जहालत है। लिहाजा जाहिलियत कहाँ से पनपती है? जाहिलियत अंधी तकलीद से पनपती है। गरचे आपके पास मालूमात हैं, लेकिन ये मालूमात क्या हैं? यालमूना ज़ाहिरम मिन हयातिद दुनिया। इसलिए दीन क्या कह रहा है? वहुम बिलाखिरते हम गाफिलून। ये वो लोग हैं कि जो दुनिया के ज़ाहिर में से थोड़ा सा पता है इनको, वो भी, और वो भी ज़ाहिर पता है, दुनिया की भी हकीकत नहीं पता, और आखरत से गाफिल। ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक क्या हैं? जाहिल हैं। लिहाजा ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हमारा हिसाब किताब किस में हो रहा हो। लिहाजा याद रखना, आपका अकीदा जब तक आप उसकी कोई दलील नहीं दोगे मुहकम, कबूल नहीं होगा आपसे। और दलील आप सिर्फ उस वक्त दोगे जब आपको दलील खुद समझ में आई हुई होगी। आई बात समझ में? मसलन कल हमने आपके सामने एक फार्मूला परसों लिखा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का जवाब क्या है, तो जो जवाब आपने रट्टा लगाया हुआ है वो आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ खाली। अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये जवाब कैसे आया, 2ab कहाँ से आया, 2 तो इसमें था ही नहीं, तो आप बताओगे कि कैसे आया? बताओगे ना कैसे आया? ये जो आपको पता है कि ये यही जवाब आएगा, क्यों? इसलिए कि आपको उसकी दलील पता है। अकीदे की जब तक आपको इस तरीके से दलील मालूम ना हो वो अकीदा नहीं होता, सिर्फ मालूमात होती है। और लिहाजा जब आपने कभी सही अकीदा समझने की कोशिश ही नहीं की, तो कल्ब के अंदर जो चीज़ पहुंच रही है वो क्या? ऑटोमेटिकली बातिल अकीदे। लिहाजा ना हमारे इबादात में वो असर है, ना हमारी नमाजों में, ना रोज़े में, किसी चीज़ में असर नहीं है। ईमान हमारे वजूद से ज़ाहिर ही नहीं होता। आई बात समझ में? खूब। तो अब अगर इंसान ज़ईफ़ भी है और अहसन तकवीम भी है तो कैसे पॉसिबल है? ये पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं, फिर आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, एक चीज़ होती है किसी भी चीज़ की अपनी मजबूती या उसके अपने अंदर एक कमाल ज़ाती किसी चीज़ के अंदर। जब भी वो चीज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस मरहले में जाती है, तो एडवांस मरहले में जाने के बाद उसके अंदर सोफिस्टिकेशन पैदा होती है। सोफिस्टिकेशन का नतीजा क्या निकलता है? कि हो सकता है वो चीज़ अल ज़ाहिर वैसी मजबूत ना हो। हाँ, अभी आप लोग का ज़माना नहीं, आप लोगों ने देखी नहीं है वो चीज़ें। मसलन कभी आप जाकर नेट पे तलाश करना कि जो शुरू में पाकटेल के मोबाइल आए थे वो कैसे थे, इस डस्टर से ज़्यादा बड़े और चौड़े और मोटे और भारी, आधा किलो का एक मोबाइल। और फंक्शन क्या था उसका? फंक्शन कुछ भी नहीं था, ज़रा सेंटीने से इधर से उधर गया, फादिक बेकार।
आई बात समझ में, फंक्शनिंग। लेकिन क्या था, अखरोट तोड़ के काम आ सकता था, अखरोट मखरोट तोड़ सकते थे आप उससे। अब ये जो उसका फर्ज करो कि भारीपन या मजबूती है, ये सिर्फ उस मकाम तक सिफत हो सकती है, वहाँ पर अच्छी हो सकती है। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस मोबाइल बनाएंगे तो उसके अंदर वो सख्ती मौजूद नहीं होगी, वो ज़रीफ़ से ज़रीफ़ तर होता चला जाएगा। कमाल किस में होता है, जब आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जाते हैं तो बहुत सारे, अब गौर कीजिएगा, जिस्मानी कमालात जो अलज़ाहिर कमाल होते हैं वो कमालात ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और जो कमाल पैदा होना शुरू होता है वो बुनियादी तौर पर मानवी कमाल होता है। बस अब गौर करना इस बात का, मसलन मानवी तौर पे क्या है, ये जो मोबाइल था पुराना, गर्चे बहुत सख्त बड़ा भारी सब कुछ था, अगर हम इसको एज़ अ कमाल तसव्वुर भी कर लें, इसमें और मौजूदा दौर का मोबाइल जो बड़ा नाजुक सा पतला सुखला सा कमज़ोर सा है, अब ये है कमज़ोर सा, लेकिन उसके मुकाबले में हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर काम अंजाम दे सकता है। तसव्वुर नहीं कर सकते आप उस ज़माने के मोबाइल की फंक्शनिंग में और आजकल के ज़माने के, वो सिवाय बात कराने के कुछ और करता ही नहीं था, कोई और काम नहीं कर सकता था। हत्ता वो भी नहीं था शुरू में नहीं था। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही। बस अगर उसका कोई कमाल उस वक्त में तसव्वुर किया जा रहा है, मौजूदा अगर मोबाइल में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़ईफ है, कमज़ोर है अपनी ज़ाहरी शक्ल में, लेकिन बेहतर है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो काम अंजाम दे सकता है वो नहीं दे सकता। लिहाजा इंसान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क किया है, ये याद रखिएगा, मादी खिलकत में इंसान से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से ज़्यादा मादे के अंदर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर मुमकिन ही नहीं। मसलन हो सकता है कि हम बात करें, हम कहें कि भाई बाज़ हैवानात के मसलन बदन के अंदर लचक या उनके अंदर कुछ तरह की चीज़ जो है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेशन है ना, वो लचक उनके उस मखसूस काम के लिए। इंसान को जिन कामों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क किया है और वो जो कैपेसिटी रखता है, उसके लिए वो नज़ाकत भी शायद ज़रूरी नहीं थी। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो खल्क किया है इतनी परफेक्शन के साथ खल्क किया है कि हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लिहाजा आज से तकरीबन 250 या 300 साल पहले कुछ फिजिशंस, डॉक्टर्स एंड फिजिशंस से उन्होंने एक किताब लिखी थी दी हैंड के नाम से, तकरीब दी हैंड एंड हाथ, और उस किताब का जो उनवान था तकरीबन 300 या 350 सफ़ों की किताब थी, और उस किताब में उन्होंने जिस चीज़ को हैंड कहा था वो आपका हाथ नहीं था, हैंड जो उन्होंने कहा था वो आपका अंगूठा था, यानी वो रिसर्च उन्होंने सिर्फ इंसान के अंगूठे के ऊपर की थी। उस रिसर्च का खुलासा उन्होंने क्या बताया, उसका खुलासा उन्होंने ये बताया कि इंसान का तकरीबन, आप अगर ये अंदाज़ा लगाएं कि आप बाहर अगर जाएंगे मखलूकात में, इतना हाथ आपको मिल जाएगा कॉमन, और इतने हिस्से में, यानी अंगूठे को छोड़ के या अंगूठे की शेप को भी इसी फॉर्म में ले आएँ, उंगलियां ज़्यादा कर दें, उंगलियों के बंद ज़्यादा कर दें, उंगलियों में ताकत ज़्यादा कर दें, एवरीथिंग यू विल फाउंड। लेकिन पूरी हाथ रखने वाली मखलूकात में कोई मखलूक आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसका अंगूठा ऐसा हो जैसा आपका अंगूठा, इंसानी हाथ में अंगूठा है, किसी और मखलूकात में नहीं पाया जाता। और वो ये कहते हैं कि इस अंगूठे की शेप और डिज़ाइन और पोजीशन, यानी अब अगर आप इतना हाथ बाकी भी मखलूकात में कंसिडर कर रहे हैं तो ये एक हाथ है पूरा। वो कहते हैं इस हाथ के मुकाबले पे ये हाथ पूरा एक हाथ का, अलग हाथ का काम अंजाम देता है। लिहाजा उन्होंने रिसर्च करने के बाद बताया कि जितनी चार उंगलियों में ताकत होती है उतनी उस अकेले अंगूठे में ताकत होती है। इसका साइज़ छोटा होता है लेकिन छोटे होने के बावजूद इसकी जो पोजीशन अल्लाह ताला ने रखी है वो इतनी परफेक्शन है कि चारों के मुकाबले में आ जाता है। और इसका जो ये पोजीशन है, ये आपके हाथ को जो ग्रिप देती है वो ग्रिप टूल ग्रिप कहलाती है। टूल ग्रिप का माना क्या है,
टूल ग्रिप का माना यह है कि आपके हाथ में आने वाली आम चीज़ टूल में तब्दील हो जाती है। आप जैसे इसको चला सकते हैं, आप इसके साथ जो काम ले सकते हैं वो दुनिया की कोई और मखलूक नहीं ले सकती। लिहाजा सिर्फ आपके हाथ की फॉर्मेशन ने आपको कायनात में खुदा के बाद सबसे बड़ा सानिया मैन्युफैक्चरर बना दिया। इंसान जो कुछ मैन्युफैक्चर कर सकता है और जितनी सोफिस्टिकेशन से कर सकता है, हैवानात नहीं कर सकते। हैवानात अपनी जगह पर बाज़ चीज़ें बना सकते हैं, अच्छी खूबसूरत बारीक नाजुक वगैरह सब कुछ करके बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज़ वो बना सकती है कोई मखलूक उसके अलावा, मसलन फ़र्ज करें हम ये कहते हैं जी मकड़ी इतना बारीक जाला बना सकती है, इंसान उससे ज़्यादा बारीक जाला बना सकता है मकड़ी, लेकिन उसके अलावा कोई जाला नहीं बना सकती, इंसान उसके अलावा भी बना सकता है। वो जाले के अलावा कुछ नहीं बना सकती, इंसान जाले के अलावा भी हज़ारों चीज़ें बना सकता है। शहद की मक्खी है, वो अपना बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का छत्ता बनाती है, इंसान भी वैसी चीज़ें बना सकता है, उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, उससे ज़्यादा परफेक्ट, उससे ज़्यादा अच्छे बना सकता है, और छत्ते के अलावा भी बहुत कुछ बना सकता है। लिहाजा एक, अब आप गौर करें हाथ के अंदर, इसी तरह से अब आप गौर करें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द जनाब मुफज्जल को इंसान के बदन के ऊपर तवज्जो करने की कह रहे हैं। कह रहे हैं मुफज्जल गौर करो कि अल्लाह ने इंसान का सर ऐसा क्यों बनाया, उसकी आंखें ऐसी क्यों बनाई, सर के ऊपर बाल क्यों बनाए, चेहरे के ऊपर बाल क्यों नहीं बनाए, उसकी नाक का रुख नीचे क्यों रखा, उसके कान को ऐसा क्यों बनाया, इसे लेके पूरे बदन की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। ये जो इमाम मुतवज्जे कर रहे हैं, इमाम का मकसद असल में क्या है कि मेरे बाद में आने वाले शागिर्द आगे बढ़ें और जो कुछ मैं तवज्जो दिला रहा हूँ उसके ऊपर रिसर्च करके इंसान की खिलकत के कमालात और परवरदिगार की कुदरत के कमालात को जाहिर करें। लेकिन हमारे जो शागिर्दाने इमाम हैं उनके जहन के किसी भी खाके में ज़िंदगी में कभी भी ये तस्वीर बनती ही नहीं है कि मैं कोई इल्म ऐसे हासिल करूं कि मैं अपने अइम्मा के अक्वाल की जो इल्मी सलाहियत और उसके अंदर जो छुपा हुआ इल्म है उसको ज़ाहिर कर सकूं। हमारी ज़िंदगी के किसी भी बरनामे में, हमारी ज़िंदगी की किसी भी प्लानिंग में ये चीज़ शामिल नहीं है कि हम कुरान और अहादीस के जो इल्मी कमालात हैं उसको ज़ाहिर करें। अगर कहीं पर मसलन जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उनको इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की एक हदीस थी, उस हदीस ने उनको इतना मुतासिर किया कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की अपनी पीएचडी का थीसिस ही इमाम की हदीस के ऊपर लिख दिया। ऐसी बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन मेरा मसला क्या है, मेरा मसला ये कि मेरा घर है, अम्मी हैं, अब्बू हैं, बहन भाई हैं, गरीब हैं, अगर मैं रिसर्चर बनूंगा तो घर कैसे चलेगा। वो हदीस ये थी कि इमाम ने फरमाया अपनी ज़िंदगी अपने औकात को चार हिस्सों में तकसीम करो, एक हिस्सा इस्तराहत के लिए, एक हिस्सा इबादत के लिए, एक हिस्सा दुनिया के कामकाज के लिए और एक हिस्सा फैमिली के लिए, अपनी रिश्तेदारों घर वालों के लिए। उन्होंने इससे एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया और पूरा थीसिस इसके ऊपर लिखा और उसका नतीजा क्या मिला, अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसा फजल किया कि इस वक्त इकोनॉमिक्स के एक नए स्कूल ऑफ थाट के वो बाबा आदम बन गए। पूरा एक स्कूल ऑफ थाट अब उनके नाम से मशहूर है इस वक्त। हाँ, उसका नाम है डिवाइन इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ थाट डिवाइन इकोनॉमिक्स। लिहाजा आप अगर इमाम के लिए करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा, अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेगा, लेकिन तवक्कुल और ईमान की ज़रूरत है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में इतनी फुर्सत ही नहीं है कि हम इमाम की किसी हदीस का माना करने के लिए पीएचडी करें। कौन इतना पढ़े, इतनी उखारी करे, एक हदीस का माना करने क्या मिलेगा मुझे। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है काम करने के लिए इमाम के लिए, और दुनिया क्या कर रही है, दुनिया करती है अपने चीज़ों के लिए। लिहाजा जिदाने मन, हम अगर अपनी ज़िंदगी में कभी ये बरनामा बनाएं, ये प्लानिंग करें, तो फिर हमारे आइम्मा के जो कमालात हैं उनके जो इल्मी मराते में वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आप समझ में आई, इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है वो मादे से, मटेरियल से इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ बनने के काबिल ही नहीं है। लिहाजा अब इंसान जब इंसान पर रिसर्च करना शुरू किया है तो ताज्जुब कर रहे हैं।
हर हैवान का लाइफ साइकिल आप कुछ अरसे के अंदर दरियाफ्त कर सकते हैं। कुछ अरसे आप एक हैवान के ऊपर रिसर्च करें तो आपको कुछ अरसे के अंदर अंदर उसका पूरा लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगा कि ये जानवर क्या क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या सलाहियतें और ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। लेकिन जो वो गुजारता है, जो वो करता है, उसके अलावा कुछ करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा इंसान अशरफ कहाँ पर अब गौर करना। तमाम हैवानात अपनी ज़िंदगी का इल्म लेकर आते हैं, लेकिन जब इंसान आता है तो खुदा ने क्या कहा, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता। कैसे ये माँ के पेट से निकलते हो तो क्या होते हो, ज़ीरो। अब ये कुरान की आज से 1400 साल पहले कुरान जो बता रहा है, इससे साबित हो रहा है कि खालिक बेहतर जानता है। लेकिन उसने क्या किया, आपको इस कैफियत के साथ अकल दी, इनको इसके साथ अकल नहीं दी। अकल नहीं है, सिर्फ इल्म है, मालूमात। आपको अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि इस जहल के साथ क्या दे दी, अकल। बस आप कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, बुनियादी तौर पे जहल प्लस अकल। सारा कमाल इस चीज़ में छुपा हुआ है, अगर आपको ये समझ में आ जाए। हत्ता आपकी अशरफियत भी इसी के अंदर छुपी हुई है। कैसे, कैसे इल्म हासिल करोगे तो फुल टू पालिम बन जाओगे, हर चीज़ पता लग जाएगी तुम्हें। तो कितना इल्म ज़रूरी है आपको, इतना कर सकते हो तो फिर क्या फ़ायदा हो। लिहाजा आप कल ये सोच के आना, एक जगह मैंने आपको बता दी है, इस पर कल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और खुदा ने चाहा तो इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। बात जी, आपने कहा कि इंसान का जो स्ट्रक्चर है वो जितने भी मखलूकात हैं उन सब में सबसे बेहतरीन है, और इससे बेहतरीन हो भी नहीं सकते। जो फरिश्तों का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फरिश्तों का स्ट्रक्चर नहीं है जाता है, तो इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आपके जहन में बातिल अकायद पैदा हो जाए। फरिश्ता सन स्ट्रक्चर नॉन मैटर, इल्म का क्या स्ट्रक्चर आपकी, मोहब्बत कैसी बनी हुई है, मुजर्रदात है, नॉन मटेरियल्स में स्ट्रक्चर मुतसव्विर ही नहीं। हाँ, उलिल अजहना सूरह फातिर की गालिबन पहली या दूसरी आयत है, नहीं स्ट्रक्चर नहीं है ना। अब आपको ये बात अकल इस्तेमाल करो। अब अगर अल्लाह ताला के वजहुल्ला तो अल्लाह का चेहरा होगा, हाँ अल्लाह का यदुल्ला फौका एदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है तो इसका मतलब अल्लाह का हाथ है, क्या मुराद है वहाँ पे, हैं क्या मुराद है वहाँ पे। यद अलामत ताकत है, यकीनन जब अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता तो यद से मुराद हाथ नहीं है, हाथ इस्तियारा है या किनाया है ताकत से। इसी तरह से जब हमें अकली तौर पर पता है कि फरिश्ता नॉन मटीरियल है तो पर से मुराद क्या है, हाँ पर अलामत होता है ताकत और कुदरत की। हाँ ये जो 1 2 3 पर बताए हैं, यानी क्या उनकी आपस की जो ताकत और कुदरत है उसमें डिफरेंस, कुछ कम ताकत वाले हैं कुछ ज़्यादा ताकत वाले। ऐसे ही है जिन हदीसों में इस तरह के भी माना आते हैं, मसलन जैसे अल्लाह ताला हज़रत अब्बास को दो पर देगा, अब ये दो पर से मुराद क्या उनके पर लगे हुए होंगे ना, दो पर से मुराद कुदरत होगी उनके पास, एक ऐसी कुदरत होगी जो दूसरों के पास नहीं है। उनको भी दे तैयार कहते हैं इसीलिए। जितने भी होंगे मिलेंगे तो पूछ लूँगा मैं, है इंशाल्लाह। और भी कुछ अगर गिफ्ट शिफ्ट देना तो वो भी दे दो।
तो फरमाई या नहीं फरमाई, लिहाजा इस पर ज़रा गौर करें और आइंदा आइए अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली तब्दीली क्या लेकर आएँ, ब्लाइंड फेथ को ख़त्म करना शुरू करें। दुरूद पढ़िएगा एक मरतबा।